खबर शोको का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस की ओर। राहुल आतंकियों संग इलू इलू कर सकते हैं शाह, मेरे नवजात के लिए प्रार्थना करें। चेन्नई ने कोलकाता को दी मात। अब खबरें विस्तार से। राहुल आतंकियों संग इलू इलू कर सकते हैं लेकिन हम करारा जवाब देंगे शाह। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक होने के बाद राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस शोक मनाने में व्यस्त थी। उन्होंने कहा कि मैं राहुल बाबा से कहना चाहता हूँ कि अगर आप आतंकियों के साथ इलू इलू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने में यकीन रखते हैं। मेरे नवजात के लिए प्रार्थना करें। पुलवामा में शहीद हुए जवान की पत्नी। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवान रतन ठाकुर के 3 दिन के नवजात को गंभीर हालत में रांची के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बतौर डॉक्टर उसके बचने की संभावना 50-50 है। वही रतन की पत्नी राजनंदिनी ने कहा, मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी है, मैं लोगों से शहीद के बच्चे के लिए प्रार्थना करने की गुजारिश करती हूँ। चेन्नई ने कोलकाता को दी मात। अंक तालिया में पहुंची शीर्ष पर। चेन्नई सुपर किंग्स ने मंगलवार को कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा कर आईपीएल 12 में 5वीं जीत दर्ज करते हुए अंक तालिया में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। इसके साथ ही चेन्नई टीम की यह एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए पिछले 17 मैचों में 16वीं जीत भी है। वहीं कोलकाता टीम की यह मौजूदा टूर्नामेंट में दूसरी हार है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस इंडिया ऐप डाउनलोड करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।